द वक्फ एक्ट 1995। बंधुओं, इस कानून के बारे में लगभग हम सब ने सुन रखा है। यह भी एक ऐसा काला कानून है जो राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी है। सभी को जय श्री राम। मैं राष्ट्रवादी कुमार आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। वक्फ एक्ट, बंधुओं आइए इस कानून के बारे में थोड़ा सा और जानें, इस पर चर्चा करें। वक्फ, वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ का मतलब होता है किसी चीज़ को दान देना। जैसे कि हम सब मंदिर में या किसी धार्मिक स्थान पर अपनी स्वेच्छा से कुछ दान देते हैं, पैसों के रूप में, वो चाहे ज्वेलरी के रूप में हो या कोई कीमती वस्तु या कोई ज़मीन हम दान दे दें, कोई चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, हम दान देते हैं। उसी प्रकार से इस्लाम मज़हब में जो मुस्लिम है वो जब दान देते हैं उसे वक्फ कहा जाता है। मूलतः अरबी भाषा में इसे वक़ाफ कहा जाता है। इसमें आप चल संपत्ति दें या अचल संपत्ति, वो वक्फ के पास रहता है। तो बंधुओं, वैसे तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन दिसंबर 1964 में हुआ था। तो ये कानून जो आज वक्फ एक्ट 1995 के माध्यम से हम लोग जानते हैं, ये इसमें क्या है, इससे पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लें। 1923 में जब ये एक्ट बना था, तब मुसलमान वक्फ एक्ट तब ये समूचे भारत में लागू था, और समय समय पर इस एक्ट में, इस कानून में बदलाव किए गए, परिवर्तन किए गए, उसे संशोधित कर इस कानून को और सशक्त रूप दिया गया। तो 1954 में जब ये एक्ट में संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, तब ये पूरे देश पर लागू नहीं था, कुछ ही राज्यों में लागू था। और जिन राज्यों में ये लागू था वहाँ पर मुस्लिमों ने अपना एक अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाया था और अपने अपने हिसाब से सब अपने अनुसार काम करते थे। लेकिन इससे कई सारी दिक्कतें आने लगी। उसके बाद 1959 में फिर अमेंडमेंट हुआ, फिर इसमें संशोधन हुआ, फिर 1965 में हुआ, और उसके बाद 1984 में हुआ, और फाइनली जब 95 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, वैसे तो ये जब इसमें संशोधन हुआ या जब ये बना आज़ादी के बाद ये कानून, हमेशा कांग्रेस की ही सरकार रही। तो 95 में इन्हें बहुत सारी ताकत दे करके, बहुत सारे पावर्स दे करके इसको बहुत सशक्त बनाया गया, और ये पूरी तरीके से देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी कानून है। उसके बाद रही सही कसर मनमोहन सरकार ने 2013 में पूरी कर दी। बंधुओं, आखिर इस कानून में ऐसा क्या है, इस एक्ट में ऐसा क्या है, क्यों ये कानून ये राष्ट्र विरोधी कानून है? सबसे पहले आज ये कानून लागू है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मनमोहन सरकार ने 2013 में इसमें अमेंडमेंट करके इसे और सशक्त बनाया और ज़्यादा राष्ट्र विरोधी बनाया। आज मूल रूप में ये जो कानून लागू है, ये 1 नवंबर 2013 से अब तक ये लागू है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू नहीं है। ये कुल मिला के 30 राज्यों में और यूटीस में लागू है, यूनियन टेरिटरीज में लागू है। जिन 6 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में ये लागू नहीं है वो कौन कौन से हैं? पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा गोवा, तीसरा मिजोरम, चौथा नागालैंड, पांचवा सिक्किम, और छठा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दमन एंड दीव। और इनको छोड़ करके बाकी सारे समग्र भारत में ये लागू है। बंधुओं, आखिर इस एक्ट में, इस कानून में ऐसा क्या है जो इस कानून को राष्ट्र विरोधी कानून बनाता है? आइए इसके ऊपर हम बात करें, इसके ऊपर चर्चा करें कि आखिर इस कानून में ऐसा है क्या। तो बंधुओं, ये है द वक्फ एक्ट 1995। इसको आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको इंग्लिश में या हिंदी में, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वक्फ एक्ट में टोटल 9 चैप्टर्स हैं और 113 सेक्शन है। आइए देखते हैं, ये है 9 चैप्टर है इसमें टोटल, और ये 113 सेक्शन्स है।
तो बंधुओं, हम कुछ मेन मेन सेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। वैसे तो ये पूरा कानून ही काला कानून है, लेकिन उसमें भी जो सेक्शन से जो सबसे खतरनाक है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्या सेक्शन से इसमें। तो शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 4 से। सेक्शन नंबर 4, प्रिलिमिनरी सर्वे ऑफ वकाफ। तो ये प्रिलिमिनरी सर्वे ऑफ वकाफ, इसको थोड़ा मैं पढ़ देता हूँ पहले। द स्टेट गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट फॉर द स्टेट अ सर्वे कमिश्नर ऑफ वकाफ एंड एज मेनी एडिशनल और असिस्टेंट सर्वे कमिश्नर्स ऑफ वकाफ एज मे बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ सर्वे ऑफ वकाफ इन द स्टेट। मतलब आप तो जान ही चुके होंगे पढ़ने के बाद कि राज्य सरकार जो है एक स्टेट के लिए सर्वे कमिश्नर, एडिशनल या असिस्टेंट सर्वे कमिश्नर वो अपॉइंट करेगी वक्फ बोर्ड के लिए। अब इसका क्लॉज नंबर 4 देखिए, ये क्या कहता है। क्लॉज नंबर 4, द सर्वे कमिश्नर शॉल वाइल मेकिंग एनी इंक्वायरी हैज़ द सेम पावर्स एज आर वेस्टेड इन अ सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इन द रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली समनिंग एंड एग्जामिनिंग एनी विटनेस रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, रिक्विसिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस। मतलब ये किसी भी कोर्ट से या किसी भी कार्यालय से ये लोग पब्लिक रिकॉर्ड की डिमांड कर सकते हैं, उसके लिए इनको कोई रोक टोक नहीं रहेगा। इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस और अकाउंट्स, मेकिंग एनी लोकल इंस्पेक्शन और लोकल इन्वेस्टिगेशन। मतलब ये कहीं पर भी जाके अपना इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं किसी भी सरकारी कार्यालय में। मतलब इनको इतनी पावर दे दी गई है, इनको इतनी पावर दे दी गई है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 6 पे, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग वकाफ। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड एज वक्फ प्रॉपर्टी इन द लिस्ट ऑफ वकाफ इज वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट, और वेदर ए वक्फ प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड इन सच लिस्ट इज अ शिया वक्फ और सुन्नी वक्फ, द बोर्ड और द मुतवली ऑफ द वकाफ और एनी पर्सन एग्रीव्ड में इंस्टीट्यूट अ सुइट इन अ ट्रिब्यूनल फॉर द डिसीजन ऑफ द क्वेश्चन एंड द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मैटर शल बी फाइनल। इसका मैं आपको, वैसे तो आप समझ गए होंगे लेकिन फिर भी इसका सरल भाषा में यदि हम अनुवाद करें, वक्फ बोर्ड को यदि लगता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी के ऊपर इन्होंने दावा किया है, जैसे मान के चलिए आपके प्रॉपर्टी के ऊपर इन्होंने दावा किया, तो उस व्यक्ति को अगर कहीं जाना है तो वो किसी कोर्ट में या पुलिस के पास नहीं जा सकता, वो इनका बना हुआ जो ट्रिब्यूनल है उसी में जाएगा और उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। इसका सिंपल मतलब ये है, आप और कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं। अच्छा, इनका जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है, इनका वक्फ बोर्ड का, वक्फ काउंसिल का, वो भी इसमें सारे इनके ही लोग बैठे रहेंगे, यानी सारे मुस्लिम, सारे मुसलमान ही बैठे रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि फिर जो डिसीजन है वो कैसे लिया जाएगा। अब क्लॉज नंबर 4 पे आते हैं, क्या कहता है। द लिस्ट ऑफ वकाफ शॉल अनलेस इट इज़ मॉडिफाइड इन परस्यूस ऑफ डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल अंडर सबसेक्शन 1 बी फाइनल एंड कंक्लूसिव। मतलब फिर से यहाँ पर यही बताया गया कि इनका जो डिसीजन है वही फाइनल होगा। आप और अब क्लॉज नंबर, नेक्स्ट क्लॉज 5 पे आते हैं। ऑन एंड फ्रॉम द कमिशमेंट ऑफ दिस एक्ट इन स्टेट नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शॉल बी इंस्टीट्यूट और कमेंस्ड इन अ कोर्ट इन दैट स्टेट इन रिलेशन टू एनी क्वेश्चन रिफर टू इन सबसेक्शन 1। इससे साफ हो जाता है कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। अब इस नेक्स्ट सेक्शन 7, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू डिटरमाइन डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग वकाफ। बंधुओं, ये थोड़ा सा लंबा है, जैसे ये थोड़ा पढ़ देता हूँ मैं। इफ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एनी क्वेश्चन और डिस्प्यूट अराइजेस वेदर अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड एज वक्फ प्रॉपर्टी इन अ लिस्ट ऑफ वकाफ इज वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट। अब ये पूरा पढ़ने के बाद आप
मैं थोड़ा सा समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ रहा। अब इसमें एक आप ये समझ जाइए, वही बात बताई गई इसमें कि इनकी जो प्रॉपर्टी है, अगर इनको लगता है कि ये इनकी प्रॉपर्टी है वक्फ की, वक्फ बोर्ड की। अब पहले ये क्लॉस ए भी पढ़ लेते हैं, क्लॉस वन का ए, इन द केस ऑफ द लिस्ट ऑफ वक्फ रिलेटिंग टू एनी पार्ट ऑफ द स्टेट एंड पब्लिश्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, नो सच अप्लीकेशन शॉल बी एंटरटेन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ वक्फ। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को जैसा वक्फ को लगता है कि ये प्रॉपर्टी उनकी है, उसका जो भी पुराना ओनर होगा वो एनक्रोचर बन जाएगा, उनको ये एक नोटिस देंगे, एक नोटिस जारी करेंगे कि आप ये आपकी ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है, आप इसे खाली कर दें। अगर उसकी कोई कंप्लेंट है, उसका कोई भी ग्रीवेंस है, तो वो किसी कोर्ट में नहीं जा सकता, जैसे पहले हमने बात किया, वो जाएगा इनके बने हुए ट्रिब्यूनल कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में जाएगा। वो भी उसको नोटिस मिलने के एक साल के अंदर, और ये पब्लिश भी करेंगे किसी न्यूज़पेपर में, नेशनल न्यूज़पेपर में, कि ऐसा ऐसा वो मैटर हम लोग देते हैं ना एडवर्टाइजमेंट के तौर पे, उसके नोटिस जारी होने के, उसको नोटिस मिलता या नहीं मिलता वो बात की बात है, नोटिस जारी होने के एक साल के अंदर ही उसको ये ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, नहीं तो उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी गई। मतलब उसके बाद अगर आप एक साल के बाद वो कोई व्यक्ति आता है तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब आते हैं क्लॉज नंबर फोर पे, द लिस्ट ऑफ वकाफ एंड वेयर एनी सच लिस्ट इज मॉडिफाइड इन परस्यूएंस ऑफ अ डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल अंडर सबसेक्शन वन, द लिस्ट एज सो मॉडिफाइड शॉल बी फाइनल। जो वक्फ तैयार करेगी, उनका जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। उन्होंने देखिए फिर से वही बात रिपीट की है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो है सेक्शन नंबर एट, स्टेट गवर्नमेंट टू बियर कॉस्ट ऑफ सर्वे, द टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ सर्वे इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट और लिस्ट ऑफ वकाफ अंडर दिस चैप्टर शॉल बी बॉर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जो भी सर्वे का कॉस्ट होगा वो राज्य सरकार वहन करेगी, राज्य सरकार उसका खर्चा उठाएगी। मतलब एक ऐसी संस्था जो सिर्फ मुसलमानों की है और मुसलमानों के लिए है, और उसका जो खर्चा है सर्वे का वो राज्य सरकार उठाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 9, एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल। अब इस पे देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एस्टैब्लिशमेंट अ काउंसिल टू बी कैंसल्ड द सेंट्रल वक्फ काउंसिल फॉर द पर्पज ऑफ एडवाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द बोर्ड ऑन मैटर्स कंसर्निंग द वर्किंग ऑफ बोर्ड्स एंड द ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वकाफ। क्लॉज नंबर 2, द काउंसिल शॉल कंसिस्ट ऑफ द यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ वक्फ एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, द फॉलोइंग मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमॉन्गस्ट मुस्लिम नेमली। वैसे मैं आपको बता दूँ, वक्फ काउंसिल में टोटल 20 मेंबर्स होते हैं, 20 मेंबर्स का ये काउंसिल होता है, जिसमें जो यूनियन मिनिस्टर होता है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है। इसमें जो 20 सदस्यों में से, ये देखिए, 3 पर्सन टू रिप्रेजेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ऑल इंडिया कैरेक्टर एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, 4 पर्सन ऑफ नेशनल एमिनेंस, 1 ईच ऑफ द फील्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर एंड मेडिसिन, 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ हुम 2 शॉल बी फ्रॉम द हाउस ऑफ द पीपल एंड 1 फ्रॉम द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मतलब 2 लोकसभा से, 1 राज्यसभा से, चेयरपर्सन्स ऑफ 3 बोर्ड्स बाय रोटेशन, 2 पर्सन्स हु हैव बीन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जैसा कि हमने देखा कि ये सब मुस्लिम होनी चाहिए, ये अमॉन्गस्ट मुस्लिम, ये सब मुस्लिम होने चाहिए, मतलब जजेस भी जो रह चुके हैं वो भी जजेस, इनको भी मुस्लिम चाहिए। 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एनिमेंस, 1 पर्सन टू रिप्रेजेंट द मुतवली ऑफ वक्फ हैविंग ए ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ ₹5 लाख एंड अबव, 3 पर्सन हु आर एमिनेंट स्कॉलर्स इन मुस्लिम लॉ।
मतलब जितने लोग चाहिए इनको पूरे मुस्लिम ही चाहिए, अदर देन मुस्लिम इनको चलेंगे नहीं, ये इनकी पहली शर्त होती है। इनका वक्फ बोर्ड हो या वक्फ काउंसिल हो या ट्रिब्यूनल हो या कुछ भी हो, उसमें सब के सब मुस्लिम इस्लाम को मानने वाले मुसलमान ही चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन, ये काउंसिल, ये बोर्ड सिर्फ मुस्लिमों की, मुस्लिमों के लिए है और किसी के लिए नहीं है। अब चलते हैं बंधुओं अगले सेक्शन पे, जो है 16, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अपॉइंटेड और फॉर कंटिन्यूइंग एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड। अ पर्सन शॉल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अपॉइंटेड और फॉर कंटिन्यूइंग एज मेंबर ऑफ द बोर्ड इफ ही इज नॉट अ मुस्लिम। बस बाकी कोई एलिजिबिलिटी इनको नहीं चाहिए, उसके बाद तो खैर लिखा है, एंड इज़ लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज, ही इज़ फाउंड टू बी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, बाकी चीज़ें। लेकिन एक तो पहली शर्त है, अगर वो मुस्लिम नहीं होगा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वो बोर्ड का मेंबर या किसी प्रकार का उसको कोई भी, यानी कोई पद कुछ भी नहीं रहेगा उसके पास। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करने का प्रयास कर रहा हूँ। सेक्शन 23, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड इज टर्म ऑफ ऑफिस एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस। क्या कहता है ये, देयर शॉल बी अ फुल टाइम सीईओ ऑफ द बोर्ड हु शॉल बी अ मुस्लिम। देखिए ये, हु शॉल बी मुस्लिम एंड शॉल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट from a panel of two names suggested by the board and who shall not be below the rank of deputy secretary. ये deputy secretary to the state government and in case of non-availability of a Muslim officer of that rank, a Muslim officer, ये देखिए फिर से Muslim officer of that rank, a Muslim officer of equivalent rank may be appointed on deputation. मतलब आपको सीईओ हो, सर्वे कमिश्नर हो या बोर्ड का कोई भी मेंबर हो, वो सब के सब उनको मुस्लिम चाहिए। जैसा भी दोस्तों, सबसे पहली बात, किसी भी स्टेट में, राज्य में सबसे हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जो रैंक होता है वो सेक्रेटरीज का होता है, ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, एसोसिएट सेक्रेटरी, उसी प्रकार इनको डिप्टी सेक्रेटरी के रैंक के लोग चाहिए। मतलब कल को यदि वहाँ पर नहीं मिलता है तो उसके इक्विवेलेंट रैंक के लिए चाहिए, तो कल को इस कानून के माध्यम से ये मांग कर सकते हैं कि हमको राज्य में डिप्टी सेक्रेटरी या उसके इक्विवेलेंट रैंक का हमको एक मुस्लिम ऑफिसर चाहिए। देखिए इसका वाइस वर्सा करके देखिए, किस प्रकार की इन्होंने क्या दगाबाजी या किस प्रकार की शैतानी करके रखी है ये कानून के माध्यम से। दोस्तों इतने खतरनाक सेक्शंस इन्होंने बना के रखे हैं। अब ये देखिए 28 सेक्शन, पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्शंस ऑफ द बोर्ड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इन हिज एब्सेंस एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट शॉल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ द बोर्ड विच मे बी कन्वेड थ्रू द सीईओ एंड द बोर्ड मे Wherever considers necessary, seek directions from the tribunal for the implementation of its decision. मतलब बंधुओं, बोर्ड का सीईओ, स्वयं बोर्ड या ट्रिब्यूनल, इनका जो भी आदेश होगा, जो भी डायरेक्शंस होगा, उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना ये डीएम की, एडीएम की या एसडीएम की जिम्मेदारी होगी। मतलब समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि इन्होंने कैसी, कैसा प्रावधान किया, कैसी इन्होंने सिस्टम बनाया है कि जिस प्रकार से प्रशासन को कोर्ट या सरकार आदेश देती है कि आपको, कोई भी एक आदेश देती है कि आपको ये ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है, ये जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। तो ये जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड, ये लगभग क्या, इनको इक्विवेलेंट पावर्स आ गए हैं कि ये कोर्ट या सरकार जैसे ये आदेश प्रशासन को दे और वो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कैसे हो रहे हैं। मतलब इनको कोर्ट और सरकार जितनी पावर्स दे दिए गए हैं, इससे आप समझ जाइए एक सिंपल भाषा में। अब आगे चलते हैं सेक्शन 29 पे,
पावर्स ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू इंस्पेक्ट रिकॉर्ड्स रजिस्टर्स एक्सेट्रा. द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एनी ऑफिसर ऑफ द बोर्ड ड्यूली ऑथोराइज बाई हिम इन दिस बिहाफ शॉल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब बी एंटाइटल्ड एट ऑल रिजनेबल टाइम टू इंस्पेक्ट इन एनी पब्लिक ऑफिस किसी भी सरकारी कार्यालय में एनी रिकॉर्ड्स रजिस्टर्स और अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू अ वर्क और मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज विच आर वर्क प्रॉपर्टीज और आर क्लेम टू बी वर्क प्रॉपर्टीज. बंधुओं, इसका अर्थ साफ साफ ये है, ये किसी भी समय मतलब सरकारी कार्यालय में जाके कोई भी रिकॉर्ड रजिस्टर ये चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वो सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी हो या उन्होंने सिर्फ क्लेम किया हो. इससे आप समझ जाइए, जैसे अब हम आगे देखेंगे सेक्शन नंबर जब 40 आएगा वो कितना ख़तरनाक है वो हम देखेंगे, उसी से आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी. जैसे पिछले हमने जो अभी कुछ समय पहले बात की उससे हमको सारा ध्यान आ जाएगा कि ये किस प्रकार का इन्होंने ये व्यवस्था की है, कैसे कैसे प्रावधान इसको खुद को ही इन्होंने इतना सेल्फ एस्टीम पावर दे दिए हैं. अभी नेक्स्ट सेक्शन 31, प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट. इट इज़ हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट द ऑफिसेस ऑफ द चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ द बोर्ड शॉल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड एंड शॉल बी डीम नेवर टू बी हैविन डिस्क्वालिफाइड फॉर बींग चोजन एज और फॉर बींग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर और अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इफ सो डिक्लेयर्ड अंडर ए लॉ मेड बाय द अप्रोप्रिएट स्टेट लेजिस्लेचर. बंधुओं, कल को बोर्ड के वक्फ बोर्ड के किसी भी मेंबरान को मेंबर्स को चुनाव लड़ने की अनुमति है. अगर वो कल को चुनाव जीत भी जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो भी उनके मेंबरशिप को यानी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, वो मेंबर बने रहेंगे, बोर्ड के मेंबर बने रहेंगे. क्योंकि आप सब जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकर चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन इनको वो पावर दी गई, ये हम आगे बात करेंगे. फिलहाल हम देखते हैं सेक्शन नंबर 40, ये क्या कहता है. ये सेक्शन नंबर 40 इस पूरे कानून का, इस काले कानून का सबसे खतरनाक, पाँव के नीचे से हमारे ज़मीन निकल जाए ऐसा सेक्शन इन्होंने इस पे बनाया है. बंधु, ये सेक्शन नंबर 40 है, डिसीजन इफ अ प्रॉपर्टी इज वक्फ प्रॉपर्टी. देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 40, द मोस्ट डेंजरस सेक्शन ऑफ दिस एक्ट. क्या कहता है ये, द बोर्ड में इट सेल्फ कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी प्रॉपर्टी विच इट हैज रीजन टू बिलीव टू बी वर्क प्रॉपर्टी एंड इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज वर्क प्रॉपर्टी और नॉट और वेदर अ वर्क इज अ सुन्नी और शिया वर्क इट मे आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट मे डीम फिट डिसाइड द क्वेश्चन. बंधुओं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका एक सिंपल भाषा में, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताने का प्रयास करता हूँ, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे. फिर भी मान के चलिए मेरी प्रॉपर्टी या आपकी प्रॉपर्टी पर वक्फ वाले आकर ये क्लेम करें कि हमें लगता है कि यहाँ पर हमारी कोई पीर की मज़ार है, इसलिए ये प्रॉपर्टी हमारी हो गई, तो क्या हम ये मान लेंगे? मैं इतने सालों से 30, 40 या 50 साल वाट एवर, मैं इतने सालों से वहाँ रह रहा हूँ, क्या मैं इतनी जल्दी आसानी से मान लूँगा कि मेरी इस प्रॉपर्टी पे एकाएक कोई आ गया और ये दावा कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, तो हम क्या करेंगे? हम ऑब्वियसली हम कहेंगे कि ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से वगैरह. लेकिन वो कहेंगे कि रीज़न टू बिलीव, सिर्फ हमको ऐसा लगता है, हमारा विश्वास है कि हमारे यहाँ पे कोई पीर की मज़ार है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है. फिर हम क्या करेंगे? हम यानि जिस पर ये दावा किया जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ वालों की है, वो क्या करेगा, हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम प्रयास करेंगे कि पुलिस के पास जाने की. पुलिस कहेगी कि ये तो कानून ऐसा है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, प्रशासन के पास जाएंगे आप, एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आपकी अगर कोई पहचान है, क्या परिचय है कोई डीएम कलेक्टर से, तो वो भी कहेगा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये कानून ही वैसा है. फिर आप किसी लीडर के पास जाएंगे, किसी पॉलिटिशियन से मिलेंगे, कोई मंत्री से मिलेंगे, अपने विधायक सांसद से मिलेंगे, वो भी यही कहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते इसमें. उसके बाद हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट भी यही कहेगा कि ये
एक्ट के अनुसार इसमें कुछ ऐसे सेक्शंस बने हैं जैसे हमने अभी देखा, इसमें आप कोर्ट में नहीं आ सकते, आपको इनके ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ेगा। और ट्रिब्यूनल में कौन लोग बैठे हैं? इन्हीं के लोग बैठे हैं, सारे मुस्लिम। तो बंधुओं, कहने का ये मतलब है सिर्फ इनके एक क्लेम से कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी इनकी हो जाएगी। आप समझ रहे कितनी खतरनाक की साजिश है ये है? क्या जाल बिछाया इन्होंने इस सेक्शन के माध्यम से। और इसको कांग्रेस सरकार ने 2013 में इस अमेंडमेंट करते हुए इस सेक्शन को ऐड किया। ये इतना खतरनाक है, जिस प्रॉपर्टी पे, घर में, मकान में हम रह रहे हैं, हमको रातों रात वो खाली करना पड़ जाएगा, हमको वहाँ से निकलना पड़ेगा। और बेघर होने का दर्द वही जानता है जो कभी बेघर हुआ हो। ये है सेक्शन 40, सबसे खतरनाक। ये देखिए बंधु, इसका क्लॉज नंबर 2, द डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑन अ क्वेश्चन अंडर सबसेक्शन 1 शॉल अनलेस रिवोक्ड और मॉडिफाइड बाय द ट्रिब्यूनल बी फाइनल। मतलब इन्होंने ऑलरेडी ऐसी साजिश कर रखी है कि आप तो कहीं जा नहीं सकते, किसी कोर्ट में, पुलिस स्टेशन, कहीं पर भी आपको इनके ट्रिब्यूनल में ही आना पड़ेगा, और इनका ट्रिब्यूनल जो भी डिसीजन वहाँ पर होगा वो फाइनल माना जाएगा। आपको अब समझ में आ गया होगा, ये साफ साफ साजिश है, ये मक्कारी है, ये दगाबाजी है। इन्होंने साजिशन इस प्रकार से ऐसे क्लॉजेस डाले हैं ताकि इनके ऊपर ये जो भी प्रॉपर्टी पर क्लेम करे ये उनकी हो ही जाए। अब आते हैं सेक्शन नंबर 55 पे, एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स मेड अंडर सेक्शन 54। बंधुओं, 55 से पहले हम थोड़ा 54 पहले देख लेते हैं, क्या कहता है 54। रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट फ्रॉम वर्क प्रॉपर्टी, वेन एवर द CEO considers whether on receiving any complaint on his motion that there is an encroachment on any land, building space or other property which is work property land। मतलब हम, जैसा हमने आपको बताया ना कि हम लोग वहाँ encroacher माने जाएंगे, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई 55 में, वेर द पर्सन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 54 टू रिमूव एनी एंक्रोचमेंट ओमिट्स और फेल्स टू रिमूव सच एंक्रोचमेंट विद इन द टाइम पीरियड टाइम स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर और एज द केस मे बी फेल्स टू वैकेट द लैंड बिल्डिंग स्पेस और अदर प्रॉपर्टी टू विच द ऑर्डर रिलेट्स विद इन द टाइम अफोरसेड द CEO मे, देखिए, रिफर टू द ट्रिब्यूनल टू द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, क्या कहेंगे हम उसे, तहसीलदार, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिस्डिक्शन द लैंड बिल्डिंग स्पेस और अदर प्रॉपर्टी इज सिचुएट फॉर एविक्टिंग द एनक्रोचर। मतलब एक हम समझने का ये प्रयास करें कि हम एनक्रोचर है और ये ट्रिब्यूनल जो है वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल बनाया हुआ, ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को या तहसीलदार को ये ऑर्डर करेगी कि इस एंक्रोचर को इसने अधिक्रमण किया है, इसको वहाँ से हटाया जाए। ये देखिए, रिफर द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और वो हमको उस जगह से, उस प्रॉपर्टी से वो हमको खाली करेगा, हमको वहाँ से निकाल देगा वहाँ से, वो क्योंकि हम एंक्रोचर हो गए। हमारी प्रॉपर्टी पे जहाँ हम इतने सालों से रह रहे, सिर्फ वर्क प्रॉपर्टी के क्लेम करने से हम एंक्रोचर हो गए। अच्छा, उसके लिए अब देखिए, मैजिस्ट्रेट शॉल मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द एंक्रोचर टू रिमूव द एंक्रोचमेंट और एज द केस मे बी वैकेट द लैंड बिल्डिंग स्पेस और अदर प्रॉपर्टी एंड टू डिलीवर पोजेशन देयर ऑफ द कंसर्न मुतवली एंड इन डिफॉल्ट ऑफ कंप्लायंस विद द ऑर्डर रिमूव द एंक्रोचमेंट और एज द केस मे बी एविक्ट द एंक्रोचर फ्रॉम द लैंड बिल्डिंग स्पेस और अदर प्रॉपर्टी में फॉर दिस पर्पस टेक सच पुलिस असिस्टेंस एज मे बी नेसेसरी। मतलब अगर हम खाली न करें तो ये पुलिस की भी मदद ले सकते हैं। तो इन्होंने अपने पूरे प्रशासन तंत्र को, पूरे पुलिस को एक तरीके से अपना नौकर गुलाम बना के रखा है। हम लोगों को ये हटाने के लिए, हम लोगों को वहाँ से निकालने के लिए ये पुलिस बल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इतनी पावर इनमें है। इस सेक्शन से हमको ये पता चल जाता है। अब आप समझ रहे होंगे दोस्तों कैसे कैसे इन्होंने प्रोविजंस किए।
इन्होंने षड्यंत्र करके साजिशन इस प्रकार का प्रावधान बनाया है कि इनको कोई भी प्रॉपर्टी यदि पसंद आ जाता है, कीमती प्रॉपर्टी, वो चाहे किसी की फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, किसी का फार्म हाउस हो या किसी का घर बंगला हो, कुछ भी हो, वहाँ पर इन्होंने अपना क्लेम करके बस उस प्रॉपर्टी को हासिल करना है। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 97 में, डायरेक्शंस बाय स्टेट गवर्नमेंट। Subject to any directions issued by the central government under section 96, the state government may from time to time give to the board such general or special directions as the state government thinks fit, and in the performance of its function the board shall comply with such direction. मतलब स्टेट गवर्नमेंट इनको वक्फ बोर्ड को कोई भी डायरेक्शन निर्देश देगी तो वक्फ बोर्ड को उसको मानना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसमें ब्रैकेट में आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट शॉल नॉट इशू एनी डायरेक्शन बीइंग कॉन्ट्रारी टू एनी वक्फ डीड और एनी यूसेज प्रैक्टिस और कस्टम ऑफ द वक्फ। मतलब आपने बात तो मानना है राज्य सरकार की, कोई भी डायरेक्शन देंगे, लेकिन आपने वो एक पॉइंट डाल दिया कि वो हमारे खिलाफ नहीं होना चाहिए, वो वक्फ के खिलाफ नहीं होना चाहिए, उसके प्रैक्टिस कस्टम के खिलाफ नहीं, मतलब एक शरिया कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए। सीधी सीधी बात, मतलब इन्होंने ये फिर बनाया क्यों, ये इन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए, साथ में वहाँ पे एक ऐसा ये डालने से कि हमारे वो खिलाफ नहीं होना चाहिए, वक्फ के खिलाफ, बस यानी वो इस्लाम के खिलाफ, शरिया के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो अगला सेक्शन 100 100, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। No suit or other legal proceeding shall lie against the board or CEO or survey commissioner or any other person duly appointed under this act in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under this act. मतलब ये किसी भी पब्लिक ऑफिस में, कोर्ट में जाके कुछ भी सर्वे करे, इंस्पेक्शन करे, कोई भी डॉक्यूमेंट मांगे रिलेटेड टू वर्क प्रॉपर्टी और गुड फेथ में, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। कल को इन्होंने अगर ऐसा कोई काम किया, किसी को ऑब्जेक्शन हो कि ये तो इन वर्क के इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन इनका सिर्फ गुड फेथ हो कि हम लोग वर्क का काम कर रहे हैं, तो इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। मतलब इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए भी इसमें ऐसे ऐसे प्रावधान डाल दिए कि इन पर मुकदमा भी हम लोग दायर नहीं कर सकते किसी कोर्ट में कहीं पर भी। देखिए अपने आप को पूरा सेफ और सिक्योर्ड करके रखा है इन्होंने। इस प्रकार के काम, इस प्रकार के सेक्शंस अगर आप पूरा जब पढ़ेंगे ना, पूरा एक्ट, तब आपको समझ में आएगा कि इन्होंने और क्या क्या किया। लेकिन इतना ही आप पढ़ लीजिए, आपको तो समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं और एक खतरनाक सेक्शन 101, सर्वे कमिश्नर मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द बोर्ड डीम टू बी पब्लिक सर्वेंट, डीम टू बी सब पब्लिक सर्वेंट, उन्हें सरकारी कर्मचारी समझा जाए। कितनी खतरनाक, क्या साजिश करके रखे इन लोगों ने। देखिए दोस्तों, द सर्वे कमिश्नर मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एवरी ऑफिसर एवरी ऑडिटर ऑफ द बोर्ड एंड एवरी अदर पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड टू डिस्चार्ज एनी ड्यूटीज इम्पोज ऑन हिम बाई दिस एक्ट और एनी रूल और ऑर्डर मेड देयर अंडर शॉल बी डीम टू द पब्लिक सर्वेंट्स। मतलब कोई शक ना रह जाए कि वो पब्लिक सर्वेंट कैसे माना जाए, तो उन्होंने उसमें भी वो डाल दिया विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 45 ऑफ 1860। दोस्तों आप सभी कभी पढ़ना आईपीसी की धारा 21 सेक्शन 21 पढ़ना इंडियन पीनल कोड का, उसमें डेफिनेशन बताया गया है कि सरकारी कर्मचारी या लोक सेवक किसे कहा गया है, आर्मी नेवी मिलिट्री इनके कर्मचारियों को, कोर्ट के कर्मचारियों को, तहसील ग्राम पंचायत सरकारी अस्पताल सरकारी स्कूल, मतलब आप समझ जाइए जितने भी सरकारी संस्था है उनके जो वहाँ पे कर्मचारी है उनको हम लोक सेवक या गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। तो उसको इस बोर्ड के सारे मेंबर्स को, वहाँ पर अगर कोई प्यून भी होगा चाय पानी पिलाने वाला, उसको भी ये पब्लिक सर्वेंट माना जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, आप सोच रहे होंगे पब्लिक सर्वेंट में कौन सी बड़ी बात है, पब्लिक सर्वेंट को जो भी फैसिलिटीज़ जो भी सुविधाएं या जो भी उनको बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे लागू रहेंगे और इनको मिलेंगे।
अब इससे ज़्यादा खतरनाक बात क्या होगी? मतलब विचार करना है हम सबको, हम सबको जागरूक रहना है। ये जो कानून बना है इतना राष्ट्र विरोधी है, ये आप लोग तो समझ ही गए होंगे। तो बंधुओं, मेरी आपसे सबसे यही प्रार्थना है, यही निवेदन है, जागरूक होइए, औरों को जागरूक करें। इस वीडियो को जानने के, इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वयं से विचार करें, एक बार तो ये कानून पढ़े, अपने घर में, अपने सोसाइटी में, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से आप बात करें। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं उनसे जाके हम कम से कम 40-50 लोग मिले और उनको कहे कि ये कानून निरस्त होना चाहिए, ये राष्ट्र विरोधी कानून है। किसी ऐसी संस्था को इतनी ताकत आप लोगों ने दे दी है कानून के माध्यम से कि उसके खिलाफ़ कोई पब्लिक अपील किसी पब्लिक कोर्ट में या कहीं नहीं हो सकती। बंधु, सबसे ज़्यादा ज़मीन किसी भी देश में किसके पास होती है? ऑब्वियसली सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास। हमारे देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे विभाग के पास है। उसके बाद रक्षा विभाग का नंबर आता है, दूसरा सबसे ज़्यादा ज़मीन उनके पास है, तीसरा नंबर आता है वक्फ बोर्ड का, वक्फ काउंसिल का। इनके पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, इनसे भी ज़्यादा ज़मीन है। आज वक्फ के पास टोटल ज़मीन मोर देन 8 लाख एकर्स ऑल ओवर इंडिया, जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, टोटल 8 लाख एकर से ज़्यादा की संपत्ति केवल ज़मीन है इनके पास बंधुओं, जिसकी कीमत लाखों नहीं लाखों करोड़ों रुपए में है। तो विचार कीजिए बंधुओं, इन्होंने इस प्रकार से ये ज़मीनें आई है कि जैसा आपने ये देखा, जो हमने अभी जो कानून देखा है पूरा, इसके ही माध्यम से इन्होंने षड्यंत्र रच कर साजिशन इतनी ज़मीन इतनी संपत्ति इकट्ठा की है। तो दोस्तों, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो मुझे अनुमति दीजिए। सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, जय मां भारती।